अगर आपकी आँखें धूप में जाने से पूरी तरह से खुल नहीं पाती हैं या खोलने में दिक्कत आती है, अगर आपकी आई लैशेज झड़ रही हैं या फिर आँखों में बहुत ज्यादा जलन या बहुत ज्यादा खुजली रहती है, या फिर आपके घर में बच्चों में मायोपिया की शिकायत है, मायोपिया का मतलब चश्मे का नंबर लगातार बढ़ना, या फिर रेटिना से जुड़ी आंखों की कोई भी समस्या हो, तो आज का ये वीडियो इन्हीं सभी समस्याओं के निदान के लिए हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। नेत्र रोगों से बचाव के लिए या नेत्र रोगों के निवारण के लिए आयुर्वेद में नेत्र चिकित्सा में एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा का वर्णन है, जिसे हम तर्पण चिकित्सा या तर्पण क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तर्पण एक विशेष प्रकार की चिकित्सा है जो कि स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर ममता के पास, जो आज आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी तर्पण क्रिया और विस्तार से बताएंगी तर्पण क्रिया से होने वाले लाभ और सावधानियों के बारे में। तो आयुर्वेद के इस खजाने को समेटने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हम देख रहे हैं कि नेत्र रोगों का बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो उन नेत्र रोगों से बचाव के लिए या उन नेत्र रोगों के निवारण के लिए हमारे आयुर्वेद में एक नेत्र चिकित्सा, एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा का वर्णन है, जिसको कि क्रियाकल्प के रूप में जाना जाता है। तो इस क्रियाकल्प में आचार्य ने तर्पण, पुटपाक, सेक, अश्च्योतन, अंजन का वर्णन किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो तर्पण है वो एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा है, जो कि स्वस्थ और आतुर दोनों व्यक्ति, दो रोगी व्यक्ति दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो जो तर्पण है उसका मेनली जो हम यूज करते हैं वो रिफ्रैक्टिव एरर्स में यूज करते हैं, ड्राई आई में यूज कर सकते हैं, क्रेटोकोनस के यूज रूप में क्रेटोकोनस के लिए यूज कर सकते हैं, फोटोफोबिया अगर किसी पेशेंट को धूप में जाने में दिक्कत हो रही है उसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर आई लैशेज उसके झड़ रहे हैं तो उस केस में यूज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, रेडनेस रहती है, मतलब कंजक्टिवाइटिस का केस है तो उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्क्विंट का केस है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल जो हम इंसिडेंस देख रहे हैं कि डिजनरेशन चेंजेस ऑफ रेटिना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ RP, इन द फॉर्म ऑफ ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, तो इन सब में भी अगर हम तर्पण का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद रहता है, पेशेंट के नेत्र के रोगों का निवारण करता है, उसको उसकी जो प्रोग्रेस है उसको कम करता है, उसको बचाता है। बच्चों में भी आजकल जो मायोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर हम तर्पण का यूज़ कर सकते हैं, तर्पण का यूज़ करते हैं तो वो भी मायोपिया, मतलब चश्मे का नंबर जो बच्चे के आजकल देख रहे हैं कि लगातार चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो वो भी किसी हद तक बहुत कम किया जा सकता है। जब हम तर्पण क्रिया का वर्णन करते हैं, तर्पण क्रिया का बात करते हैं, तो हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इसके पहले हमें पूर्व कर्म कर लेना चाहिए। पूर्व कर्म में बताया गया है कि हमें वमन विरेचन के द्वारा देह का शुद्धि कर लेना चाहिए, मतलब देह में हमारे शरीर में जो दोष है उनका शमन कर लेना चाहिए, और शिरोगत दोषों के लिए उसको शमन करने के लिए हमें नस्य और शिरोधारा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हम दोनों तरीके से अपना शरीर का शुद्धि और शिर का शुद्धि कर लेते हैं, तब हम किसी भी दिन में, सुबह में या फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में, किसी भी टाइम में, पूर्वाह्न या अपराह्न में पेशेंट का तर्पण कर सकते हैं। तो इस तर्पण के क्रिया करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री का जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये है उड़द की दाल का आटा, जिसका हम पाली बनाते हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही ये आटा को गूंथ के रखा है। और फर्स्ट सेकेंड थिंग इज तिल तेल, जो हम मसाज के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो तर्पण क्रिया कर रहे हैं उसके पहले हम मसाज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इज घृत, यहाँ पे बहुत सारी घृत का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल गाय घृत का यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला घृत का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैं ये यहाँ पर है मेरे पास जीवंतियादि घृत है उसको यूज़ कर सकते हैं। जीवंतियादि घृत रिफ्रैक्टिव एरर्स, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और घी को ढालने के लिए ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पात्र है, जो दिया लाइक पात्र है, इसका हम यूज़ करते हैं घी को ढालने के लिए। इसके अलावा ये कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल्स हम आई को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये फ्लावर हैं। फिर फ्लावर जब हम तर्पण क्रिया पूरी कर लेते हैं तो हम पेशेंट को बैंडेज लगा के भेजते हैं, ताकि वो किसी भी चमकीले पदार्थ में या सनलाइट में या तेज लाइट में उसका एक्सपोजर ना मिले। उसके बाद ये बैंडेज है, उसके बाद ये गर्म पानी है, गर्म पानी, क्योंकि जो हम घी यूज़ करते हैं उसको डायरेक्टली हम गर्म नहीं करते हैं हीट पे, उसको गर्म करने के लिए हम गर्म पानी के पात्र में ये एक कटोरी रख देते हैं और इस कटोरी में हम घी को डाल के गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम जब भी हमें घी यूज़ करना है तो उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना है, उसको ये पानी वाले बर्तन में ही रख के उसको गर्म करना है। सबसे पहले हम इस कॉटन बॉल को ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके उससे हम पेशेंट के आइस को, फॉरहेड रीजन को और नेजल रीजन को पूरा हम क्लीन करेंगे।
क्लीन करने के बाद हम इस रीजन का पूरा मसाज करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे तिल तेल का यूज़ किया है। तो जो मसाज करेंगे वो नेजल एरिया पे, आईज़ पे, आईज़ के अराउंड, फॉरहेड पे, जो भी मरम पॉइंट है उनको दबाते हुए अच्छे से मसाज करेंगे। ये मसाज हम कम से कम 4-5 मिनट के लिए करेंगे। मसाज करने के बाद हम एक टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर इसको हम फर्मेंटेशन देंगे। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हम 2-3 मिनट तक। इसके बाद फर्मेंटेशन के बाद हम अगेन उसको ड्राई कॉटन से अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम इस पे उड़द के दाल का जो हमने डो बनाया हुआ था उससे हम इसका पाली बनाएंगे। पाली बनाने के लिए हमने जो डो लिया था उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसको इस शेप में हम फॉर्म करेंगे। ये जो पाली है इसका साइज एटलीस्ट 2 अंगुल होना चाहिए ताकि जो भी हम उसमें घी भरेंगे वो पूरा आई लैशेज तक उसमें डूब सके। थोड़ा सा उड़द का दाल के आटे को हम थोड़ा सा गीला बना के उसके नीचे वाले हिस्से में लगा के ताकि पाली उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो उसको हम इधर से नेजल टिप पे आते हुए और फॉरहेड के सेंटर में इसको इस तरह से हम प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए ये पाली अभी बन चुकी है जो कि जस्ट 2 अंगुल ऊंची है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके ये हल्का सा गर्म किया हुआ घी नाक की साइड से, मतलब इनर कैंथस की साइड से धीरे 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 करके पेशेंट की आँख में पोर करेंगे और इस समय पेशेंट की आँख को बोलेंगे कि बंद रखने के लिए। घी को हमें उतना ही भरना है जहाँ तक कि आई लैशेज का एंड हो रहा है, मतलब कि उसकी आँख पूरा उस घी में डूब जाना चाहिए। इस घी को देने के बाद हम पेशेंट को धीरे 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 आँख खोलने और बंद करने के लिए बोलेंगे। धीरे धीरे करके आँख खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। ये जो क्रिया है ये हमें 10-15-30 मिनट्स के लिए करना होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो 15-20 मिनट्स सफिशिएंट है, लेकिन अगर किसी डिजीज पेशेंट के लिए कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 30 मिनट्स तक का प्रोसेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए हम इसको ऊपर से एक पेपर से या कार्डबोर्ड से कवर करते हैं। जैसा कि आपने देखा 15 मिनट्स हो चुका है, तो अब हम इस कवर को रिमूव करते हैं और इस घी को कॉटन बॉल की मदद से धीरे 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 करके हम सोक करके इसको रिमूव कर देंगे। ये तर्पण क्रिया करने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक आंख का बॉल कॉटन है वो दूसरी आंख में यूज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसी पेशेंट में करें जिसका कि पहले का खाना खाया हुआ पच गया हो, मतलब पेशेंट इनडाइजेस्टिव स्टेज में नहीं हो। इसको रिमूव करने के बाद हम धीरे 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 इस पाली को रिमूव करते हैं और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के हेल्प से इसको हम रिमूव करेंगे। कॉटन बॉल को ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके अब इसके बाद तर्पण के बाद पेशेंट को हमेशा लाइट, बहुत तेज़ लाइट के एक्सपोजर से या सनलाइट के एक्सपोजर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लावर्स, यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल्स का यूज़ किया है। तो रोज़ पेटल्स इस तरह से अप्लाई करके, जैस्मिन का फ्लावर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर से ये गॉस पीस से मैंने बैंडेज बना लिया है, तो उसको हम गॉस पीस को यूज़ करके ऊपर से हम इसको बांधते हुए, यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो ताकि निकल नहीं जाए और बहुत ज़्यादा कसा हुआ भी नहीं होना चाहिए ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा गड़े नहीं। एटलीस्ट जो हम पट्टी अप्लाई करते हैं उसको हम 2-3 घंटे तक पेशेंट को बोलते हैं नहीं खोलने के लिए। 2-3 घंटे के बाद खोल के वो आराम से नॉर्मल काम कर सकता है, लेकिन जितने दिन तर्पण होता है उतने दिन हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना कंप्यूटर से, मोबाइल से और टीवी स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में काम नहीं करना है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने इसको बैंडेज लगा के 2-3 घंटे के लिए आँख को खोलने के लिए, आँख को यूज़ करने के लिए मना किया है। तो लोग जनरली यही समझते हैं कि हम 2-3 घंटे आँखें बंद करके क्यों रखें, हम गॉगल का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गॉगल का सवाल है तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लाइट को एक्सपोज देते ही हैं, लाइट का एक्सपोजर लेते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब हम तर्पण करते हैं तो उसमें आंखें बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं और अगर हम उसमें थोड़ा सा भी लाइट का एक्सपोजर लेते हैं तो हम बेनिफिट ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो इस बेनिफिट को अगर आपको प्रॉपर लेना है तो आपको 2-3 घंटे आँख को कवर करके ही रखना चाहिए। ये जो आपका तर्पण का प्रोसेस है ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 दिन के लिए इंडिकेटेड है और डिजीज पर्सन के लिए 3, 5 या 7 दिन तक इसको आप कर सकते हैं।